में कोरोना की क्या है वर्तमान स्थिति, कितने मरीज हो चुके हैं पूर्णतः स्वस्थ, कितने मरीज अभी हैं पॉजिटिव और कितने मरीजों की हो चुकी है मौत, ये सब जानने के लिए देखते रहिए बिजनौर तक। मैं हूं डॉक्टर तहसीन। गुरुवार देर रात आई जांच रिपोर्ट में जनपद में 9 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें 2 लोग कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले और 7 प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें एक व्यक्ति नूरपुर के ग्राम दल्ला आहिर, एक व्यक्ति ग्राम सैला, एक ग्राम जफरपुर कोट, एक ग्राम ताजपुर और एक ग्राम नंगली जाजू का रहने वाला है। और यही सब लोग दिल्ली व मुंबई से अपने गांव लौटे थे, जिनका पता लगने पर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन किया। एक सिहारा के ग्राम पटवारियान का है, यह भी बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया था, जिसे प्रशासन ने MQ इंटर कॉलेज सिहारा में क्वारंटाइन किया। तो वहीं सिहारा के ग्राम विरामपुर निवासी एक युवक मुंबई से लौटा, उसे भी प्रशासन ने होम क्वारंटाइन कराया। एक ग्राम सहसपुर का निवासी है जो मुंबई से लौटा था, वो भी होम क्वारंटाइन था, जबकि एक युवक बिजनौर का निवासी है जो कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। सभी लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इससे लोगों में डर व्याप्त है। प्रशासन ने सभी को इलाज के लिए आइसोलेट वार्ड में भर्ती कराया तथा उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। जनपद में अब कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 198 पहुँच चुकी है, जिनमें 93 लोग ठीक हो चुके हैं और 4 की मौत हो गई है। जिले में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 101 है। लगातार जनपद में कोरोना मरीजों के मिलने से लोगों में डर व्याप्त है, तो अधिकारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर कोरोना की चेन को तोड़ने के प्रयास में जुटा है, किंतु कोरोना महामारी की चेन टूटती नजर नहीं आ रही। जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट क्षेत्र का किया निरीक्षण। मैं हूं डॉक्टर तहसीन और आप देख रहे हैं बिजनौर तक। नगीना में लगातार कोरोना मरीज मिलने पर जिलाधिकारी ने नगीना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गुरुवार को नगीना में 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने नगीना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों व CHC का बारीकी से निरीक्षण किया तथा वहाँ मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान जिलाधिकारी ने वहाँ मौजूद SDM कुंवर वीरेंद्र मौर्य को निर्देश दिया कि मीडिया कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। अस्पताल में मौजूद मरीजों से इमरजेंसी सेवाओं के बारे में पूछा तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ काम करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उनके साथ SDM वीरेंद्र कुमार मौर्य, अर्चना सिंह, तहसीलदार हामिद हुसैन, थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार, पालिका EO इंद्रपाल सिंह, CHC प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार आदि मौजूद रहे। यहाँ निरीक्षण के दौरान क्या क्या कमी पाएगी और क्या जांच में आपने पाया? शहर में एक मोहल्ले में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए। एक महिला का दिल्ली से आना हुआ और उसके परिवार के सारे लोग पॉजिटिव हो गए, महिला भी वो पॉजिटिव थी जी। तो सबसे पहले तो ये जो हॉटस्पॉट क्लस्टर हॉटस्पॉट बना है उसकी विजिट हुई कि वहाँ सारी जो सील करने की कार्रवाई है वो पूरी हुई कि नहीं और जो सर्विलांस की एक्टिविटीज़ हैं वो हुई कि नहीं। और उसके बाद डॉक्टर मिश्रा जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इनके साथ इसका CHC का भी निरीक्षण किया गया। मुख्य उद्देश्य यहाँ के निरीक्षण का था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया है कि नहीं, और इस CHC में जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो चालू हो गई हैं कि नहीं। तो इमरजेंसी सेवाएं यहाँ चालू हैं, काम हो रहा है। और जो कुछ कमी है, कुछ मेडिकल स्टाफ के द्वारा जो प्रोफिलैक्टिक दवाएं ली जानी हैं तो उनके बारे में निर्देशित किया गया और सफाई बेहतर और की जाए इसके बारे में। कुल कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए सर यहाँ के नगीना जिले? देखिए जो मोहल्ला मानकचंद करके एक है वहाँ पर तो 9 एक परिवार के ही पॉजिटिव आए। जहाँ एक जगह पर बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है वहां पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो उसी के लिहाज से। मैं हूं डॉक्टर तहसीन और आप देख रहे हैं बिजनौर तक।
देर रात आई जांच रिपोर्ट में सिवारा के मोहल्ला पटवारियान, ग्राम मकसूदपुर व ग्राम धर्मपुर में एक एक युवकों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तीनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराते हुए उनके परिजनों को क्वारंटीन सेंटर भेजा था। एहतियातन क्षेत्र के हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर खालिद अख्तर ने बताया कि 55 लोगों के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 52 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सभी को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है तथा उनके परिजनों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। सिवारे से अमीन अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम जुनैद हवा है और मैं यहाँ ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, ये पॉजिटिव निकला प्रधान जी, क्या कहा जा रहा है? ये जो है बॉम्बे से आया था और इसको जो है होम क्वारंटाइन जो है करा दिया गया था। अब इसके यहाँ जो है इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके परिवार को जो है जांच के लिए भेज दिया गया है और यहाँ के जो इसके आसपास का इलाका है उसको हॉटस्पॉट जो है करा दिया गया है। भारत एक महान देश है और इस देश में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। बात हो मनोरंजन की या खेल की दुनिया की या फिर अपनी अदाओं से लोगों को अपना कायल बनाने की, भारत के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सामने आया। जी हाँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी नामदेव निर्मल 1 मिनट में 147 बार अपनी जीभ से नाक को छूकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उनकी 3 साल की शोभा नामदेव निर्मल व और 5 साल की बच्ची सूर्या नामदेव भी अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी जीभ से नाक को कई बार छूती दिखाई दे रही हैं। Yeah.